जय हिंद जय भारत, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जहांगीर शेखावाटी पर। तो सुजला जिला बनाने की मांग हुई तेज। जी हां, सुजला सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग है वो तेज होती जा रही है दिनों दिन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के सानिध्य में उपखंड अधिकारी बिदासर को आज दिया गया ज्ञापन और पूरा बिदासर कस्बा रहा एक मुक्त बंद, जिसमें सुजानगढ़ को जिला बनाने बाबत है वो ज्ञापन दिया गया श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय बिदासर को। इसमें बता देते हैं कि जनहित संघर्ष मोर्चा सुजानगढ़ द्वारा 372 दिन से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना है वो चल रहा है, जिसके समर्थन में आज संपूर्ण सुजलांचल सुजानगढ़ बिदासर लाडनू छालासर छापर सांड व कातर आज दिनांक 27/1/2023 को संपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहे। राज्य सरकार से सुजलांचल बंद का आह्वान करते हैं और अपनी पुरजोर मांग करते हैं सुजानगढ़ को इसी बजट में जिला बनाने की घोषणा की जाए। तो जो सुजला है वो प्राचीन समय के अंदर जो रियासतकालीन बीकानेर के समय उस टाइम वो जिला था, तो वो ही मांग वापस है कि हमारे जिले को हमें पुनर्गठन हमें चाहिए। सुजानगढ़ जिला बनने से बहुत कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक भौगोलिक और सब कुछ मिलाकर सुजानगढ़ है वो पूरे जिले की मांग के लिए एक अपना उद्देश्य रखता है और जायज मांग है सुजानगढ़ जिला बनाने की। तो उसी मांग के लिए बिदासर में आज गांधी चौक में यहाँ धरना मोदी को यहाँ ज्ञापन दिया गया, जिसमें बिदासर से गणमान्य नागरिकगण, बिदासर के सभी पार्टियों के नेतागण और जनप्रतिनिधि और सम्मानित तो बिदासर के नागरिक है वो उपस्थित रहे। तो आप भी कीजिए इस पूरे जो कार्यक्रम है उसका अवलोकन और प्रशासन की भी रही यहाँ बिल्कुल व्यवस्था, जिसमें पुलिस प्रशासन से थाना अधिकारी महोदय और समस्त अपने स्टाफ के द्वारा बिल्कुल बेहतरीन एक व्यवस्था के द्वारा इस सामूहिक जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें एक बेहतरीन व्यवस्था भी प्रशासन की रही। तो कीजिए आप भी इस कार्यक्रम का अवलोकन। जय हिंद जय भारत। सुजानगढ़ में शिकायत करनी है, सुजानगढ़ अगर जिला बन जी तो कई फायदो होसी जिकी जिला कमाई सिद्धि राज्य राज्य राजस्थान और जिकी जिला मिलता है जिकी चीज प्रसिद्धि आप सुजानगढ़ में मिल को कैसी जी आप चूरू पर निर्भर होना है पर चूरू पर निर्भर होना कौन से पड़ा पर मतलब ये होता है कि हम लोग हैं इस देश के मालिक ना कि हमारे नेता हैं, लेकिन हमने तो उल्टा कर दिया, नेताओं को तो देश का मालिक मान लिया और हम लोग अपने आप को गुलाम मानते फिर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है, हमें जागना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था तो देश के जो क्रांतिकारी नेता थे उनको ये कहा गया कि देश कौन चलाएगा, तो किसी ने कहा पैसे वाले चलाएंगे, किसी ने कहा लटे चलाएंगे, किसी ने कहा डके चलाएंगे। तो देश को आगाह करने वाले लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा कि देश को लखे डके या धनबल से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा भारत के लोगों से। साथियों, हमें राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके क्षेत्र के विकास में लगाना पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आगे वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है अध्यक्ष महोदय एवं हमारे ये क्रांतिकारी वर्ग साथी और हमारे एडवोकेट भाई तिलोक जी, हमारे सुजानगढ़ के क्रांतिकारी सुरेंद्र जी भार्गवादी और हमारे बिदासर कस्बे के बुजुर्ग एवं युवा साथियों, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो हमारा एक बहुत लंबे समय का बिंदु है जो संघर्ष की श्रेणी में लगातार संघर्ष रहता है। हमारा आजादी से पूर्व सुजानगढ़ निजामत के रूप में जिले का अधिकार रखता था और जिला था हमारा वो अधिकार। जब राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उस गठन के दौरान हमारा वो अधिकार या तो प्रशासनिक भूल रही होगी या हमारी जो चेतना है जागृति उनके अभाव में हमारा वो अधिकार खो दिया और उस अधिकार को पुनः पाने के लिए आजादी के बाद से लगातार हमारे सुदूरांचल के सभी साथी लोग और हमारे यहाँ के आमजन द्वारा समय समय पर यह संघर्ष जारी रहता है और लंबे समय से हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन हस्ताक्षर या हर प्रकार से व्यापार मंडल बंद करना इस प्रकार के आयोजन के द्वारा सरकार को आगाह किया जाता है, लेकिन हमें हमारा वो खोया हुआ आज तक हक नहीं मिला। यह विडंबना का विषय है कि इतने लंबे समय के बाद 75 साल बीतने के बाद भी हमें हमारा हक आज तक नहीं मिला। आज इस ताजम पर हम सभी 36 कौम के लोग व सभी शहर के जो प्रभुचंद वह हमारे बिदासर में आज जो हमारे को समर्थन दिया है, हम यह आशा करते हैं कि शायद राज्य सरकार की आंखें खुलेगी। और दूसरी ओर आज मैं आपको यह अवगत कर और वही हमारे शहर की निजी शिक्षण संस्थाओं ने
भी आज हमारे को बंद रख करके और इस हमारे सुदूरांचल के जिला बनाने में बंद का समर्थन किया है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप जो पधारे हैं मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा सुदला बने, चाहे सुदानगढ़ बने, हमारा जिला हमारे पास बने। हमारा मूल उद्देश्य यह है और उसमें आपके सहयोग की और समर्थन की आम नागरिक की जरूरत है। आप जागेंगे तो हमारा खोया हुआ अधिकार हमें मिलेगा। बाकी मैं मेरी वाणी को विनाम देता हूँ, हमारे जो बाहर से पधारे हुए मेहमान है, मैं आपकी आम से वंचित रह गए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप उसमें अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके, लेकिन अपना समय में अब बाहर से आए हुए हैं, इनके अनुभव की तृष्णा में मैं इनको संबोधन के लिए के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों और विदा सर के एक एक बच्चे को मैं नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। 18वीं सदी के एक महान उपन्यासकार, समाजवादी विचारों के विश्व प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहा था कि हम धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। हम धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि हम जिंदा। कन्हैया लाल जी सेठिया ने ये बात, यह प्रस्ताव रखा कि हमारा हक जो छीन लिया गया है या भूलवश रह गया है उसको वापस कायम करना है, हमें अपना अधिकार वापस लेना है, सुजानगढ़ को जिला बनवाना है। उसके बाद में हमारे पूर्व विधायिका जी श्रीमती सन्नो देवी जी से लेकर और वर्तमान आज की तारीख तक बहुत से सामाजिक संगठनों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी जागरूक नागरिकों ने सुजला क्षेत्र का जो मापदंड है, जो समिति बनी हुई है राज्य स्तर पर, इससे पूर्व में भी जो बनी थी भाजपा सरकार में और अब वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार में बनी हुई है, उन सब को सुजानगढ़ या सुजला जिला क्यों बनना चाहिए, उसके जितने मापदंड है सुजानगढ़ या सुजला जिला इसलिए बनना चाहिए, वो जिला क्या बनना चाहिए। दरअसल ये एक शब्द जाल है। वास्तव में जो जिला था उसका पुनर्गठन होना है। मैं आपसे फिर ये निवेदन करना चाहूंगा कि पुनर्गठन शब्द जो है उस पे ज्यादा जोर डालें हम। नया जिला जो घोषित होगा, ध्यान से बनाएंगे हम सुजानगढ़ को जिला। जब खेल रहे हैं हम जी जान से, आप लोगों ने मुझे सुना, वक्त दिया और सम्मान दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। आयोजन के अध्यक्ष महोदय और बेगानी साहब, ढांकिया साहब और सभी व्यापार मंडल के सदस्य व अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष और उनके मेंबर्स और सभी आम जन का मैं स्वागत करता हूँ। जुम्मे का वक्त होने वाला है, ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन मैं जुम्मे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग बात कह रहे थे यहाँ भीड़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक एक आदमी एक एक हजार के बराबर है। और अभी सब वक्ताओं के आपने अपने अपने वक्तव्य सुने, जुम्मे की बात नहीं, मैं कहता हूं कि अब जिला बनने में जुम्मे जुम्मे तीन दिन रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, मैं इस मंच से विधानसभा के कांग्रेस के अध्यक्ष जी के इस सानिध्य में ये एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं सरकार को कि समय आ गया है एक नहीं आप राजस्थान में 11 जिले बनाते, एक
लेकिन आपको सुजानगंज का जिला बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब, आप यदि अपने राज में हो, मैं ललकार रहा हूँ, उनके प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं, सुजानगंज की स्टेज पे, विधानसभा की स्टेज पे मुख्यमंत्री जी कह के गए थे कि उपचुनाव में हमारा विधायक जीतेगा तो यहाँ का विधायक मैं हूँ। यहाँ अपनी बात को मनाना, अपनी बात को पूरा करना, अपने वादे को पूरा करना, अशोक जी को अपना वादा पूरा करने के लिए याद दिलाता हूँ कि यदि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो सुजानगंज एक नंबर में जिला बनेगा और बनाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी खड़े हैं, अपना भी संदेश भेज देना, अशोक जी को याद दिला देना। इसलिए साथियों, हिम्मत रखो, 41 साल से हम भी लगे हुए, कभी हमारे भी काले थे सफेद हो गए, लेकिन इन नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, आपके कारण से यह जिला बनेगा, इनके ललकार से जिला बनेगा और करोड़ों रुपए की आमदनी यहाँ होगी, ठेले वालों की होगी, चाय वालों की होगी, व्यापारियों की होगी, करोड़ों रुपए यहाँ बजट के आएंगे। हम सुजानगढ़ को जिला बना के रहेंगे। जो चुनौती मेघवाल ये जवान आदमी दूसरे आदमी को लेके आए, बाइकों साहब लेकर के आए, इसलिए संख्या का सब आप मत भरिए, पूरा सुजानगंज विधानसभा क्षेत्र लाखों आदमी आपके साथ है। धन्यवाद, जय हिंद। आगे भविष्य में जरूर उनको मौका मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। जिला सुजा जिला बनवा के रहेंगे, सुजा जिला बनवा के रहेंगे, सुजा जिला बनाना ही पड़ेगा, सुजा जिला बनाना ही पड़ेगा, सुजा जिला। अगर काउंट करें तो 200 किलोमीटर से भी दर्जनों गांव ऊपर दूरी पर स्थापित है। इस दिशा में अगर हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जितनी भी छोटी शासनिक प्रशासनिक इकाइयां होती है उतने ही ज्यादा देश को राज्य को मजबूती मिलती है। उस दिशा में काम करते हुए राजस्थान सरकार है क्षेत्र में अपने आप को समाहित करना चाहिए, क्योंकि डीडवाना है वो सुजानगढ़ से मात्र और मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर ही है और रेल मार्ग भी उनके लिए प्रशस्त है। अगर वो कुचामन में जाते हैं तो वहाँ रेल मार्ग भी उनके लिए प्रशस्त नहीं है। उस दिशा में अगर देखा जाए तो डीडवाना के वासिंदों के लिए भी सुजला जिला है वो सर्वोपयुक्त है और राजस्थान सरकार डीडवाना को, लाडनू को, सुजानगढ़ को और बिदासर को और रतनगढ़ को और इसके साथ ही कई उपतहसीलें उनको मिला करके निश्चित रूप से इसी सत्र में जिला बनाएगी, ऐसी हम लोग अपेक्षा रखते हैं। पहले ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सत्याग्रही हैं, आंदोलनकारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिदासर के जितने भी संगठन हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है वो सब बधाई के पात्र हैं
और अब जिला बनने वाला है। देखो आंदोलनकारी इतना मजबूत होता है कि वो हिमालय से भी टकराने से कभी नहीं टकराता है, इसलिए अब जिला बनने वाला है। और किसी ने कहा है कि राजनीतिक नेता लोग जो होते हैं वो पब्लिक के सामने कमजोर होते हैं। किसके सामने कमजोर होते हैं? पब्लिक के सामने कमजोर होते हैं। यदि हम मजबूत हैं, हम एक मंच पे हैं और एक लाख से ज्यादा आदमी हम साथ हैं, तो मैं आप लोगों को आज विधानसभावासियों को बधाई देता हूं कि हमारी 41 साल की मुहिम अब आपके साथ इंद्र में पूरी होने वाली है और जिला बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिले की मांग को लेकर के और हमारा जो एक दिवसीय ये आज बंद का जो आह्वान था उन पर हमारे सभी व्यापार मंडल के साथियों ने आज पूर्णतया बंद रख करके और हमारे हमारे जो एडवोकेट महोदय हैं सभी अधिवक्ता बारे सूचन के उन्होंने भी आज बंद का समर्थन किया है और हमारे निजी शिक्षण संस्थान के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी आज पूर्णतया बंद रख करके और हमारे इस मांग में शामिल और सहयोग प्रदान किया है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद बिदासर और हमारा उपखंड एरिया है वो जाग चुका है। अब हमारा खोया हुआ अधिकार श्रीमान अशोक जी गहलोत को देना होगा। अगर नहीं देंगे तो उसका आगामी जो है वो रिजल्ट अन्य हो सकता है। सर, मैं सभी से राजनीतिक और सामाजिक संगठन और व्यापार मंडल के भाइयों ने सभी ने मिलकर एक जो सुजला जिले जो बनाने की मांग है उसको समर्थन देकर पूरा बाजार बंद किया है और शिक्षण संस्थाएं भी बंद किया है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि सुजला जिला जो आगामी जो बजट है इसमें जरूर हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारी सुनवाई करेंगे और हमें सुजला जिले की एक जो हमारी खोई हुई जो विरासत थी उसको वापस देंगे। राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है और निश्चित बात है कि इसके विकास के लिए सरकार जो है वो नए जिलों का गठन भी करेगी और जो जिले अपने पूर्व में अधिकार से वंचित कर दिए गए थे उनका पुनर्गठन भी करेगी। इसलिए ये जो समिति इससे पूर्व सरकार में बनी थी उससे लेकर वर्तमान समिति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक सुजानगढ़ या सुजला क्षेत्र के वासियों ने, जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर और मजदूर वर्ग तक, इस मुहिम में लगातार आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी सेठिया के समय से लेकर अभी तक और एक क्रमबद्ध और एक नियमित रूप से इस संघर्ष को अंजाम दे रहे हैं अपने खोए हुए हक को प्राप्त करने के लिए। और ये हमें बिल्कुल मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। सरकार चाहे कोई सी भी हो, उनको सुजान जब भी नए जिलों की घोषणा करनी होगी तो वो करेगी। सुजानगढ़ का उसमें पहला नाम है। मैं आज ये घोषणा कर देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हो सकता है 8 फरवरी को करें, लेकिन मैं ये घोषणा पहले कर देता हूँ कि सुजानगढ़ या सुजला जिला बन चुका है। धन्यवाद। आगे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये सुजानगढ़ का जो खोया हुआ गौरव है उसको प्राप्त करने के लिए पूरे सुजानगढ़ के जो विधानसभा के क्षेत्रवासी है सभी पार्टियों को साथ में लेकर जो जनसंघर्ष समिति है उसके माध्यम से सभी ने अपना ज्ञापन भी दिया है। आज एसटीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उससे पूर्व यहाँ पे मीटिंग भी हुई है। सुजानगढ़ विदासर छापर अपने राजल देसर और जितने आसपास के कस्बे हैं सारे आज बंद घोषित किए गए हैं और निश्चित तौर से सफल भी हुए हैं, क्योंकि पूरे आमजन की यही भावना है कि हमारा सुजानगढ़ जो जिला पूर्व में था, जो हमारे आजादी से पूर्व वो जो खोया हुआ गौरव था उसको प्राप्त करने के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में सभी का साथ है और सभी की जो जन भावना है उसके माध्यम से हम एक ही मांग करते हैं कि सुजानगढ़ जिला वापस बनना चाहिए, उसका जो गौरव था उसे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ की जो भी हम आसपास की जितनी गतिविधियां देखते हैं वो सभी जिले के लायक है। हमारे यहाँ पे सालासर बालाजी धाम, ताल छापर, यहाँ पे हमारे जो विश्व प्रसिद्ध जो ताल छापर है वो भी यहाँ पे है और जितने भी आसपास के जितने हमारे जो जिले हैं उनकी दूरी है वो भी समान स्तर पे है। तो इस प्रकार से जो भी हम भौगोलिक स्थिति देखें उस प्रकार से हमारा सुजानगढ़ जिला एकदम सही कसौटी पे खड़ा उतरता है। तो हम सबकी यही मांग है कि इस बजट में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सुजानगढ़ जिले को पुनः जिले की मांग जो उठाई है सभी लोगों ने उस पे उनकी मांग को स्वीकार करते हुए जिला घोषित करें, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों ने जो एक सामूहिक रूप से अपनी प्रेरणा के रूप में सबको साथ में लेकर जो धरना दिया है या अपने ज्ञापन दिया है, अपनी जो मीटिंग की है, इनकी भावना का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।